नमस्कार जूनियर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एंड एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ रहे हैं, काफ़ी ही जल्दी अब एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के सेमेस्टर एंड के। काफ़ी सारे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, उनको भी ये नहीं पता है कि भैया एग्जाम्स बहुत जल्दी होंगे, लेट होंगे, फेब्रवरी में होंगे। मतलब बहुत सारे प्रोफेसर अलग अलग बातें उनको बता रहे हैं, तो सब बच्चे कन्फ्यूज है कि भैया फर्स्ट सेम के एग्जाम कब होगी, थर्ड के कब होंगे और फोर्थ के या फिर फिफ्थ के कब होंगे। सो अलग अलग सेमेस्टर अभी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं, उन सबके एग्जाम्स होंगे कब, इसी बात की कंफ्यूजन है, और कैसे होंगे ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। सो इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होंगे कब। सो आपके जो एंड सेम के एग्जाम्स होंगे, मतलब आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स जो होंगे, वो हम कह सकते हैं कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अलग टाइम पे होंगे एंड फर्स्ट सेमेस्टर के अलग टाइम पे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर तो 12 सितंबर से चल ही रहे हैं, बट अभी जो नया नया सेमेस्टर है और जो नया सेशन है, ठीक है, वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है और अभी तक बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। 7 जनवरी तक एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। सो इसका ये मतलब है अगर 7 जनवरी तक एडमिशन ही चलेंगे तो यार फिर तो आईपी यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। सो हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी ने एक नई चीज़ करी है, इसका ये मतलब है बाकी जहाँ पे मतलब जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है उनके एग्जाम्स 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, वहीं उन्होंने ये बताया कि जो बाकी बचा हुआ सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, उनके एग्जाम स्टार्ट होंगे 29 जनवरी से, और जो बाकी मतलब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है उनकी क्लासेस अगर 12, 13, 14, 15 तारीख तक चलेगी। सो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो चलेगी आपकी 27 जनवरी तक। जी हाँ, अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है अभी या फिर जनवरी में ही ले रही हैं या फिर आपने दिसंबर के एंड में लिया है, सो आप लोगों की जो क्लासेस होगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो चलेगी कब तक? 27 जनवरी लास्ट। ठीक है, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं होगी किसी भी कॉलेज के अंदर, और कॉलेजेस को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करो 27 जनवरी तक। अब होगा क्या इसमें, मुझे पता है क्लियरली कि कॉलेजेस बस बात को खींचेंगे और मतलब कोर्सेज को खींचेंगे, क्योंकि 4-4 यूनिट होती है हर सब्जेक्ट के अंदर और 4 यूनिट्स को कंप्लीट करना कोई ईजी बात नहीं होती है। मतलब यार वही बात है, 4 से 5 यूनिट आप लोग कैसे कराओगे इतने से छोटे से टाइम स्पैन के अंदर, 20 दिन का टाइम स्पैन है। अभी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको नया सेमेस्टर जल्दी स्टार्ट करना है और टाइम से स्टार्ट करना है। सो उसी वजह से ये लोग सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर टाइम से स्टार्ट हो जाए इनके, उसी लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है एंड सेम एग्जाम वो 29 के बाद होंगे, और जो फिफ्थ और थर्ड सेमेस्टर है हमारा उनके एग्जाम्स हो सकते हैं 23 के बाद। तो अब बात करते हैं एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन। सो ये कन्फ्यूजन ऑनलाइन की क्रिएट कहाँ से हुई, क्योंकि इससे पहले तो सारे टीचर्स और प्रोफेसर ने ये क्लियर कर रखा था कॉलेजेस के बच्चों को कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन लेने का कोई बनता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो रहे हैं, सब ऑफलाइन हो रहे हैं, तो हमारे भी ऑफलाइन ही होंगे। बट रिसेंटली आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक टेंडर निकाला है ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्जाम्स के लिए। इसका ये मतलब है कि कोई एक कंपनी चाहिए उनको पार्टनरशिप के अंदर जो कि उनके एग्जाम्स करवाए। इससे पहले एक वी बॉक्स करके कंपनी थी जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स करवा रही थी पिछले 2 साल से, और आई डोंट नो शायद से उनका कॉन्ट्रैक्ट अब ओवर हो चुका होगा। इस वजह से आईपी यूनिवर्सिटी ने नया टेंडर निकाला है जो कि काफी अच्छे अमाउंट का है। ठीक है, सो इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया ऑनलाइन भी हो सकते हैं एग्जाम। सो यार देखो, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन कराने में मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे भैया ऑनलाइन क्यों होंगे, है ना, उसके क्या रीजन है। तो ऑनलाइन कराने में आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। पेपर जो मतलब प्रिंट होता है आपका, उसके पैसे बच जाते हैं। शीट्स जो आपको यूज होती है उसके पैसे बच जाते हैं। सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बच जाते हैं, मतलब काफ़ी सारा पैसा बच जाता है इन ऑल। ठीक है, सो पैसा बच रहा है, बिजली बच रही है, न्यूज़ मतलब जो पेपर है वुड बच रही है, मतलब सब कुछ रिसोर्सेज अगर बच रही है तो ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों ना कराएं। ठीक है, सो ये रीज़न हो सकता है कि आईपी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ जा रही है। एंड इसके अलावा क्या ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं, तो यार 50-50 चांसेस है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी आईपी यूनिवर्सिटी ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। 9 से 10 तारीख तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी टेंडर की जो डेट है, ऑक्शन डेट आपकी 9 तारीख तक कर दी गई है एक्सटेंड। सो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर थर्ड है या फिफ्थ है, आपका कोई भी सेमेस्टर है, कोई भी ईयर है, आप सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो वही बात है, आप लोग अगर चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों में ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।